स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट डिफेंस क्लासेस यानी TDC में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ GS के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी और SSR, इंडियन नेवी AASSR और एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से दो या तीन क्वेश्चंस लगभग आ ही जाते हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये है डिजीज़ के बारे में, तो पहला देखते हैं हम स्टार्टिंग से। आई आई की मतलब आँख की क्या क्या बीमारियाँ होती है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेशन, प्रेस बायोपिया, ट्रैकोमा, कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें एक तीन बीमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि जी वो इंसान जिसको दूर का नहीं दिखता, और मायोपिया का मतलब है कि वो इंसान जिसको पास का नहीं दिखता, और प्रेस बायोपिया का मतलब क्या है, जिसको ना तो दूर का दिखता ना पास का दिखता। तो उसको दोनों बीमारी है, दूर के दिखने के भी और पास के दिखने के भी। तो ब्रेन के अंदर कौन सी बीमारी होती है? मेनिनगिटिस। फिर किडनीज, किडनीज के अंदर कौन सी होती है? डायबिटीज होती है किडनीज के अंदर, यूरेमिया होता है। और स्किन डिजीज़ कौन कौन सी होती है? मेसल्स, पोन, रिंग वर्म, एक्जेमा, सोरियासिस, और थायराइड ग्लैंड्स की जो हमारी गले की जो होती है उसमें कौन कौन सी होती है? गोइटर, एक ही बीमारी होती है इसकी। लंग्स की कौन कौन सी बीमारी होती है? नमूनिया, आस्थमा, टीबी, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी दो तरह की होती है, लंग्स के अंदर भी होती है, और ये टीबी हमारी बोन्स के अंदर भी होती है मतलब हड्डियों के अंदर भी होती है। फिर लीवर की बीमारी कौन कौन सी आती है? जॉन्डिस। टीथ की कौन सी आती है? कैरियज और स्कर्वी। फिर हमारी बात आती है इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती है? टाइफाइड, इंट्रेटिस, कोटिक, कोलेटिस, मलेरिया। और ब्लड डिजीज़ मतलब खून में कौन कौन सी बीमारी होती है हमारी? ल्यूलेमिया, एनेमिया। बोन्स के अंदर कौन कौन सी होती है? रैकेट्स, ओस्टेमाइलाइट्स एंड टीबी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टीबी दो तरीके की होती है, लंग्स के अंदर भी टीबी होती है और बोन्स के अंदर भी टीबी होती है। फिर आती है हमारी नर्व्स मतलब जो हमारी नसें होती है, नस के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है? वो होती है एक तो पोलियो, एक पैरालिसिस, जो कि आप जानते भी होंगे जिसको किसी को पोलियो हो जाता है, फिर किसी को पैरालिसिस होता हो जाता है। देखिए कौन कौन सी बीमारी किस किस चीज़ की कमी से होती है। जो गोइटर हमारे गले में होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। अनेमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। एक बेरी बेरी एक बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन B1। और जो हमारी ये है कैलोसिस, कैलोसिस किसकी कमी से होती है? विटामिन B2। एक ये है बीमारी हमारी पैलागरा, विटामिन B5 की कमी से होती है। पेरनिसिस विटामिन B12 की कमी से होती है। क्वेशियर को प्रोटीन की कमी से होती है। और जो टूटी के जो दांतों में बीमारी होती है हमारी वो किसकी कमी से होती है? फ्लोरिन की कमी से होती है। फिर बीमारी आती है ये क्रिफनिज्म, ये किसकी कमी होती है? ये थायरोक्सिन की कमी से होती है। ये ना क्रिफनिज्म बीमारी होती है जो होती है चिल्ड्रंस के अंदर होती है वो। फिर आती है हमारी स्कर्वी, स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। फिर ब्लीडिंग किसकी कमी से होती है? विटामिन के की। रिकेट्स जो बच्चों के अंदर हो जाते हैं, बच्चों की खाल पे होता है मतलब स्किन पे हो जाते हैं, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है जो बड़ों के अंदर होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो आंखों की बीमारी होती है मतलब रात को किसी को नहीं दिखता, तो किसकी कमी से होती है? वो विटामिन ए की कमी से होती है। जेरोप्थैल्मिया विटामिन ए की, ये भी विटामिन ए की कमी से होती है। फिर आती है हमारी ये मरासमस, ये किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की। फिर आती है हमारी डायबिटीज़, डायबिटीज़ किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। एक ये होता है जो बड़ों के अंदर होती है बीमारी माइक्सोडेना, ये किसकी कमी से होती है? थायरोक्सिन की कमी से होती है ये। और फिर एक आती है हमारी ये स्टेरिलिटी, ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। हम देखेंगे कि किस कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। जो टीबी होती है हमारी ट्यूबरकुलोसिस वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? बैकिलस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। जो बैकिलरी की बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? बैकिलस डायसेंट्री की वजह से होती है। और जो हमारी प्लेग बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? डायसेंट्री प्लेग, वो से बैकिलस पेस्टिस की वजह से होती है। जो टेटनस की बीमारी होती है वो कहते हैं ना कि टेटनस हो गया किसी को, वो किसकी वजह से होती है? बैकिलस टेटानी की वजह से होती है। एक ये फ्यूमोनिया की बीमारी होती है, ये किसकी वजह से होती है? डिप्लोकैकस की वजह से होती है। गोनोरोया किसकी वजह से होती है? गोनोकोस निसेरे की वजह से होती है।
और कुछ बीमारी ये है, ये आप देख लीजिए। चलो मैं बता दूँ एक बार फिर भी। लेप्रोसी किसकी वजह से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। इस बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ये कोलेरा किस, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? विब्रियो कोलेरा की वजह से होती है। सिफिल्स कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? सिपनोमा पैलेडियम की वजह से होती है। और जो ये जॉइंट्स के अंदर बीमारी होती है एक, वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? मनिंजोकोकस की वजह से होती है। और ये पर्ट्यूसिस और टाइफाइड, ये एक ही बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैकिलस टाइफस की वजह से होती है। ये आ जाते हैं कि ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि हमें कोई चार बीमारी के नाम दे दिए और उनसे पूछ लिया कि कौन सी वायरल बीमारी है या फिर नहीं है। तो चलिए कुछ वायरल बीमारी के नाम देख सकते हैं हम। वेरिसोला जोस्टर, सेरा जेम्स वायरस, पोलीमेलाइट्स, एड्स, रेबीज, डेंगू, जॉन्डिस, मेजल्स, खसरा बोलते हैं जिसको हम। और कुछ बीमारी के नाम ये है, एंट्रोवायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस मतलब कि HIV जिसको हम बोलते हैं, निक्जो वायरस। तो ये थे हमारे कुछ बीमारियों के नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि बल्कि एयरफोर्स या फिर नेवी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें आ जाता है कि ये मतलब कि बीमारियों के, ये बीमारी है तो किसकी कमी से हो रही है, ऐसा कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। डिजीज़ मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से किसकी कौन सी बीमारी होती है, या फिर ऐसा आ जाता है कि ये बीमारी किस लंग से, मतलब लंग से उस संबंधित है, या फिर आँख से संबंधित है, नाक से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये सिर्फ नेवी या फिर एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत सी गवर्नमेंट जो कि आती है उनके लिए भी खासा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स या नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करिएगा ताकि इसमें उनका फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए हमें। हमारा ईमेल एड्रेस है sp3target@gmail.com। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।